हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ईच ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक होंगे। तो आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग गाड़ी में आज अपना व्लॉग शुरू कर रहे हैं। व्लॉग शुरू मुझे थोड़ा जल्दी करना था, मगर हुआ ये कि बच्चों को स्कूल छोड़ते छोड़ते आज अलियान के स्कूल में असेंबली थी, तो हम वहाँ पे गए थे और अभी हमने वो अटेंड की है। और उसके बाद अब्दुल्ला को पहले हमने अलियान को स्कूल छोड़ के आया फैसल, फिर हम लोग जल्दी से तैयार हुए, फिर हमने अब्दुल्ला को ड्रॉप किया, उसके बाद फिर हम आए इधर। अपना उसकी हमने वो प्रेजेंटेशन थी वो अटेंड की है और अब हम जा रहे हैं कहीं नाश्ता करने। मैंने कहा आज की आपको लुक भी देखो, आज ये ड्रेस मैंने फर्स्ट टाइम पहना है। दिस कुर्ती इज फ्रॉम ईगो, ये मैंने बाय की थी। और ये मेरे ग्लासेस हैं, दीज आर फ्रॉम H&M। और जो ये मेरी वॉच है, ये है डेनवासी की, इट्स ब्रांड फ्रॉम सऊदीया, सो ये मैंने वहाँ से मंगवाई है। और ये मैं मलेशिया से लेकर आई थी। सो ये ईगो की कुर्ती है, दिस इज़ द होल लुक। एंड लेट मी शो यू माई चप्पल टुडे। सो ये मेरी चप्पल है और ये मैंने आई बॉट इट फ्रॉम इंसिग्निया। तो ये भी आज मैंने फर्स्ट टाइम पहनी है, बैग मैंने साथ ये लिया। तो बेबी कैसी लग रही हूँ मैं? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? तुम्हारी है प्यारी, है ना? आप भी वैसे आज बहुत डिफरेंट है, अच्छे लग रहे हो, लुकिंग गुड इन वाइट। फ्रेंड्स, आप लोग बताएं फैसल के ऊपर वाइट पोलो कैसी लग रही है, कमेंट करके बताएं, फिर हम रिप्लाई बैक करेंगे, ठीक है? तो अभी हम जा रहे हैं कहीं कॉफी शॉफी पीने, नाश्ता हल्का फुल्का करने। तो कहाँ जा रहे हैं? हल्का फुल्का नहीं, भूख लग रही है, तो सही नाश्ता होगा। अच्छा चलो, लेकिन जा कहाँ रहे हैं? देखते हैं, खुला होगा इस टाइम कुछ, क्या टाइम हो रहा है अभी? 9 बज रहे, खुल गया होगा ब्रेकफास्ट वाला। डलेजिया देख लो, या वो दो चार जगह और भी है वहाँ देख लो। ओके फ्रेंड्स, तो फाइनली ये डिसाइड हुआ कि हम लोग जा रहे हैं सिंधी मुस्लिम, वहाँ पे हम देखते हैं हमने क्या नाश्ता वाश्ता करना है। ठीक है जी, नॉट इंटरेस्टेड। सो फ्रेंड्स, हम जा रहे हैं, ऑन द वे हैं। सो फाइनली हम जा रहे हैं सिंधी मुस्लिम, हमने ये डिसाइड किया और अभी टाइम हो रहा है 9:30 हो रहे हैं। इतना अजीब सा लग रहा है ना, सुबह सुबह इतने तैयार। सो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं यहाँ पे ड्रॉप कॉफी सिंधी मुस्लिम, फर्स्ट टाइम हम यहाँ पे आए, लेट्स सी कैसा रहता है एक्सपीरियंस। सो दिस इज द कैफे फ्रेंड्स, इट्स वेरी नाइस। कैसा लग रहा है फैसल, कैसा होगा एक्सपीरियंस? ना देखते हैं, है ना? न्यू कैफे है, न्यू कैफे, लेकिन इनकी प्राइसेस भी मुझे नॉर्मल जैसे हर जगह होती है वैसी है। कॉफी वगैरह थोड़ी सी कम लगी मुझे, जैसे हमने उधर से कॉफी बीन से ली थी ना, पीच टी, तो वो हमें पड़ी थी 650 की, यहाँ पे 550 की। अब यहाँ पे कैपेचिनो 520 की, हमारा 900-1000 रुपये की कैपेचिनो है, ये डिफरेंस है। हाँ, अब देखा जाए तो ये भी एक हॉट जगह पे बना हुआ है, मतलब सिंधी मुस्लिम पे। तो लेट्स सी के हाउ इट टेस्ट्स। तो यहाँ पे ये तमाम चीज़ें मिल जाती हैं। फैसल इज़ वर्किंग ऑन समवन्स ऑर्डर, उसकी ट्रैकिंग है, हमारा US का एक ऑर्डर है। वैसे फ्रेंड्स, कुर्ती अच्छी लग रही है मेरी, है ना? सो फ्रेंड्स, दिस इज़ द सैंडविच जो हमने मंगाया, लेट मी शो यू, कुछ इस तरीके का ये है। It has cheese and all with fries. हाँ, अच्छा तो लग रहा है यार। ये वाली ना बास्केट लेनी है मुझे फैसल। हाँ, let's try. कैसा है? अच्छा है ना, गुड है। तो भाई हमने जो है ना पास कर लिया, बंदा हुआ है।
चलते हैं। अच्छा अब मैंने मंगाई है ये बनाना ब्रेड, सो लेट्स कॉफी के साथ। So it's yummy. सही वो बेकिंग वाला नहीं टेस्ट जैसे आता है बटर वाला वो है ना। ओके फ्रेंड्स तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर लिया और अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। रास्ते से हमने थोड़ी सी चीजें ले ली है, चिकन वगैरह इस तरह की चीजें सब ना वो लेते हुए घर चलते हैं। चल वैसे कराची जैसे शहर में ऐसे व्लॉगिंग करना इतनी दलेरी की बात है ना, मैं कहती हूँ मुझे अवार्ड मिलना चाहिए। क्यों फैसल मिलना चाहिए ना। आप क्या कह रहे थे? मैंने कहा मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम टेंशन ना लो। हेलो भाई, अब हम जो ओके फ्रेंड्स हम जा रहे हैं फैसल पे आ गए हैं और हम जाएंगे टॉप और टॉप। सो कैसा रहा फिर? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा वैसे यहाँ का हमारा ड्रॉप कॉफी का। हम आज फर्स्ट टाइम यहाँ गए थे, कॉफी वाज वेरी गुड, सैंडविच वाज अमेजिंग, बनाना ब्रेड भी बहुत अच्छी थी। क्या कहते हैं ब्रेड भी अच्छी थी और सैंडविच का जो ना बन था ना वो बहुत डिफरेंट था, बहुत लाइट वेट था, मतलब कि खा के बिल्कुल कोई हैवी नहीं लगा। इट वाज वेरी गुड, बहुत अच्छा रहा। तो आज जो है रात को मैंने बनाया था, हम आते हैं अपने घर के देसी खानों पे क्योंकि मैं अपने व्लॉग में खानों की बात ना करूं ऐसा हो नहीं सकता भाई। रात को हमने अंडे चने बनाए थे, अंडे चने का बनता है सालन, वो बनाया था मैंने। तो आज दोपहर में हम वो खाएंगे फैसल, बिल्कुल वही खाएंगे, मेरा तो वही दिल है वही खाएंगे। सही है। और रात के लिए इन लोगों ने फरमाइश कर दी है पुलाव की, तो मैं रात को इंशाल्लाह बनाऊंगी पुलाव। तो ये आज मैंने इंशाल्लाह अपना लाइव भी करना है और अभी हमने जाके ऑफिस का काम भी करना है, अभी तो 10:30 भी नहीं हुए। तो खैर अभी हम जाएंगे ऑफिस का काम वगैरह करेंगे, इंशाल्लाह 11 बजे पहुंच जाएंगे। हाँ और उसके बाद फिर हमारे बच्चे बच्चे आ जाएंगे, वही दिन की रूटीन स्टार्ट। नींद पूरी हुई है तुम्हारी? हाँ मैं तो फ्रेश अलग ही देर से सोया था। हाँ मैं वही कह रही, 3-4 घंटे ही सोए हो? 6 बजे उठ गया था। 3 घंटे बस सोए हो? मैं तो खैर उठी हूँ, 4 घंटे ही सोई हूँ मैं अभी, इतना ज्यादा तो नहीं सोई हूँ। एनी वेज सो इंशाल्लाह फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीलॉग में मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज। एंड यस डू सब्सक्राइब माय चैनल और कमेंट कर दिया करो, जरा पता चल जाता है मुझे कि तुम लोग देख रहे हो। बाय।